अब ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, ठीक है, इसको करते हैं। अ स्कूटरिस्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्कूटरिस्ट मतलब एक पाजी जी जा रहे थे अपने स्कूटर पे, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये है भाई पुराने जमाने का बजाज चेतक, ठीक है। इससे वो अंकल जा रहे थे, तब से उन्होंने जाते जाते देखा कि बीच सड़क पे एक बच्चा खड़ा है, चमन सा, ठीक है, ये खड़ा है। इन्होंने इसे देखकर ब्रेक मारे, ठीक है, इन्होंने इसे देखकर ब्रेक मारे। तो अंकल यहाँ से चले, यहाँ तक चलते चलते उन्हें दिखा, उन्होंने इस पॉइंट पर ब्रेक मार दिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ब्रेक मारे। चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रेक द स्कूटर टू द रेस्ट। मतलब उन्होंने यहाँ पर ब्रेक मारे और अपने स्कूटर को रेस्ट में लाए। कितने देर में? 5 सेकंड लगे उन्हें लाने में, ठीक है, 5 सेकंड उन्हें लाने में लग गए रेस्ट में। जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, ठीक है, उसे चमन से बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने ब्रेक मार दिए। अच्छा, इफ इट ये कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, मतलब आपको रिटार्डिंग फोर्स, अब ये रिटार्डिंग फोर्स क्या है? जो अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स जो आपके अंकल जी के मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। अब कोई अपोजिंग फोर्स लगी तभी तो अंकल जी रुक पाए, वरना तो अंकल जी इसे उड़ा देते, ठीक है। तो ये चीज़ थी। कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल इफ द मास ऑफ द अंकल जी एंड ड्राइवर, ठीक है, इफ द मास ऑफ द व्हीकल एंड द अंकल जी कितना है? 300 किलो। तो समझ रहे हो, अंकल जी खाए पिए हैं, 300 किलो इनका मास है। तो चलिए आपको देखो क्या क्या दे दिया भाई, टाइम दे दिया, ठीक है, और आपको स्पीड भी दे दी, इनिशियल दी इनिशियल। अब जरा इसका ना अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया। मैं इसको रब करता हूँ पूरे को, वेट, ये देखो, ठीक है, ये देखो कैसे बनाते हैं भाई। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ब्रेक मारे, ब्रेक, और 5 सेकंड में उनकी गाड़ी जो है वो स्टॉप हुई। अब जब गाड़ी स्टॉप हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, ठीक है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? ये, और यहाँ पर उसका अंकल जी का मास कितना है? 300 किलो का है अंकल जी, ठीक है। अब आपको इनसे पूछ लिया फोर्स निकालो, फोर्स देखो, फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। तो आप एक इक्वेशन लगा सकते हो मोशन की, कौन सी? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो वी कितना है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका वी। तो वी कितना हो गया? जीरो। भाई गाड़ी रुक गई अंकल जी की, और चल कितनी स्पीड से रहे थे? इनिशियल स्पीड 36। एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड आपको टाइम लगा। तो जब 36 को इधर लेके जाओगे, -36/5 = एक्सेलरेशन कितना? जब आप इसकी यहाँ पर कटिंग करोगे कितना आएगा? 7, 5 7 = 35.2, ठीक है, कैसा? नेगेटिव का। तो एक्सेलरेशन आपका ये आ गया। तो ये किलोमीटर पर आर में आया, आपको करना है इसे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, ठीक है। कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। किलोमीटर पर देखो, 1 किलोमीटर 1 आर, इसको कन्वर्ट करेंगे आएगा 1000 मीटर 3600 सेकंड। देखो ए ये रहा, ठीक है, 1000 मीटर 3600 सेकंड। अब जब आप इसकी कटिंग करोगे ना, ये आएगा इक्वल्स टू 5/18 के। मैंने वहाँ डायरेक्ट लिख दिया, और ये डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया भी है, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे कटिंग शटिंग, तो आपको क्या आएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा, इसे मैं पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 कर देता हूँ। 5 1 2 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 36/18 आ गया। 18 1 जा, ठीक है, तो 18 2 जा आ गया ये। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको फोर्स निकालनी थी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास कितना होता है? 300। एक्सेलरेशन कितना है आपका? 2 आपने अभी भी निकाला, इंटू 2 कितना आ गया? 600 न्यूटन। तो आपका फोर्स आ गया 600 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगी थी, रिटार्डिंग फोर्स, तभी अंकल जी रुक पाए, वरना अंकल जी उस चमन से लड़के को उड़ा देते। ये था आपका क्वेश्चन।